एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना क्रिएटिव कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और 7:15 के आसपास। सो हस्बैंड और मैं जा रहे हैं इवनिंग वॉक को, साथ में कूड़ा भी बहुत टाइम से फेंकने को हुआ है। तो फिर मैंने सोचा चलिए व्लॉग भी बनाती हूँ साथ साथ, थोड़ा सा बाहर की आउटिंग भी हो जाएगी, आप लोगों के लिए कुछ नया हो जाएगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से बाहर नहीं निकली हूँ और हस्बैंड यहीं है आजकल, तो उस वजह से ना यही मार्केट से सामान वगैरह लाते हैं तो मैं भी नहीं निकल पाती हूँ। तो आज मेरा मन कर रहा था कि कभी कभी मेरा इवनिंग वॉक करने का मन कर लेता है, तो फिर चलते हैं और चले चलो। ये देख रहे थे न्यूज़ और अभी थोड़ा सा जाके उसके बाद आएंगे। ऐसे ही जाना था, इनको कुछ काम था, एटीएम तक जाना था और साथ में मुझे फिर कूड़ा वगैरह भी फेंकना था। बाय द वे पौनी की है और सिंपल सा अभी तक ना बस ऐसे ही पूरा दिन निकल गया आज, तो व्लॉग मॉर्निंग से शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा चलिए शुरुआत कर देती हूँ। और कूड़ा डस्टबिन तो नहीं ले जाऊँगी, ऐसे ही ले जाऊँगी पैकेट, क्योंकि मैंने ऐसे ही पैकेट भर के रखा हुआ है इस तरह का। सो कई बार जैसे पार्सल वगैरह आते हैं ना, तो पार्सल वगैरह मंगाती रहती हूँ, उसके पैकेट होते हैं इस तरह के, तो मैं उसमें डाल देती हूँ। और आजकल वो जो कूड़े वाले बैग्स हैं ना, वो भी ख़त्म हुए हैं, गई नहीं हूँ कब से विशाल मार्ट, सामान बहुत सारा वैसे लाने को है बट कुछ नहीं खुल रहा है, कुछ नहीं कर सकते हैं। सो चलिए, मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है। कर रहे थे फाइट और हस्बैंड काफ़ी आगे निकल गए। एक्चुअली फ़ोन पे बात कर रहे थे ना, उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं बहुत पीछे हूँ अभी, और मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत डरती हूँ। सो चलिए, मौसम बहुत अच्छा है बाय द वे, अभी एक सामने से भी आ रहा है। इस टाइम पे जितने भी गली के सारे कुत्ते होते हैं ना, बाहर निकले होते हैं, और ये दिखी थी मुझे गौ माता, आराम से खा रही थी घास। शाम का वेदर था बहुत अच्छा, हस्बैंड काफ़ी आगे निकल गए थे और मैं कुत्तों के बीच बस फंस गई थी। तो वहाँ देखिए बाहर का व्यू, और बहुत अच्छा सा वेदर था। मॉर्निंग काफ़ी गर्मी थी तो अभी थोड़ा ठीक हो गया था मौसम, ठंडा ठंडा सा, और इस टाइम पर थोड़ा इवनिंग वॉक जाओ ना, अच्छा लगता है काफ़ी। तो ये सामने ही नीचे है रेलवे ट्रैक, तो ये भी एक रास्ता है, तो बट थोड़ा सा हम कभी मैं गई नहीं हूँ, तो आज वापसी में ज़रूर आएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे है, यहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंकने के लिए जगह है एक पर्टिकुलर, तो गाड़ी वगैरह आती है, ऐसे मैं सोचेगा कहाँ फेंक रहे हैं, तो गाड़ी आती है यहाँ पर और वो सारा कूड़ा नेक्स्ट डे उठा के ले जाती है। और यहाँ पर हस्बैंड ने कहा चलिए थोड़ी मैं कर लेता हूँ ब्लॉगिंग, सो यहाँ पे निकल पड़े थे हम लोग और बात करते करते, अच्छा लग रहा था इस टाइम पे। और बाकी लोग भी थे हमसे आगे आगे चले हुए, तो ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाते, बट हाँ ये सड़क में घूमना तो अलाउड नहीं है, बट इतना है कि आप थोड़ा सा रोड में चल सकते हो और अच्छा लगता है। डेली तो मैं नहीं आती हूँ, बट हाँ जब हस्बैंड हो तो इनके साथ आ जाती हूँ शाम के टाइम, कई बार अकेले भी आ जाती हूँ, कूड़ा वगैरह ज़्यादा होता। चलिए, और सामने है यहाँ पे शिव मंदिर, प्यारा सा, और रोज़ दर्शन हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बड़ी सी शिव की मूर्ति भी है, आजकल ये बंद है 2-3 दिन से और बिल्कुल ओपन नहीं है, और बाहर से ही दर्शन करना पड़ता है। सो ये देखिए सामने, ये आ गए हम चौक के साथ ही, तो बस यहीं तक ही जा सकते हैं वैसे तो। और ये यहाँ पे सामने सब्जी वाले जो ठेले थे सब बंद थे, और इस टाइम पे इवनिंग का टाइम था ना, उस वजह से बिल्कुल भी कुछ ओपन नहीं है। सो जितनी भी शॉप्स वगैरह है ना गाइस, सारी बंद है, रोड पे ना कोई भी नहीं है, और वहाँ चौक पे है पुलिस वाले। सो चलिए, हम तो घर एटीएम तक आए थे।
आज हम इस नए रास्ते से आए, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ से। ये रेलवे ट्रैक काइंड ऑफ है, तो यहाँ से मॉर्निंग रेल आती है और इवनिंग भी। कभी आई नहीं मैं यहाँ से, तो आज मैंने सोचा कि चलिए यहाँ से चलते हैं, और हस्बैंड को कहा क्योंकि सीधा सीधा रास्ता था। सो गाइज, आज हम आए दूसरे रास्ते से, यह पटरी वाला रास्ता। यहाँ से आती है सुबह सुबह ट्रेन 9 o'clock के अराउंड, और एक टाइमिंग डे टाइम की है 3-4 बजे के आसपास। क्या कर रहे हो आप, एक्सरसाइज कर रहे हो हैं? क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो? अभी जो है आगे हम वापस घूम के मार्केट में, एक भी शॉप खुली नहीं थी, एक भी शॉप तो बिल्कुल बंद है। नहीं तो इस टाइम पे ना इतनी चहल पहल होती है ना, इतनी चहल पहल बहुत ज़्यादा। और ये बन रहा है हाईवे, हाईवे बन रहा है ना ये, सॉरी फोर लाइंस फ्लाईओवर। हाँ तो काफ़ी बड़ा सा है, मैं आपको दिखाती हूँ ना, ये देखो काफ़ी बड़ा सा है। चलिए थोड़ा फोटो शूट कर लेती हूँ इनका, फोटोजेनिक। अभी जस्ट पहुंचे हम घूम फिर के, और अपने हैंड वगैरह सैनिटाइज कर लिए थे। अभी जस्ट पहुंचे हैं। और गाइज, आपने पिछले कल वीडियो को बहुत प्यार दिया, दिल से थैंक यू सो मच। और काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट थी आप लोगों की, वो पूरी की हमने। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दिए, थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूँगी अब हस्बैंड को ब्लॉग्स में लाने की, और उनका भी जो थोड़ा सा हेजिटेशन है ना उसको भगाने की। चलिए फिर, और आज कुछ स्पेशल बना रही हूँ। स्पेशल तो नहीं, मतलब कि चटनी बना रही हूँ स्पेशल, और आपको कुछ चीज़ भी दिखानी थी जो मैं लेके आए, मतलब हस्बैंड लेके आए थे मॉर्निंग। चलिए आपको दिखाती हूँ। मॉर्निंग में घर में आई थी कुछ सब्जियाँ और ये फ्रूट्स, तो ये है खरबूजा लेके आए थे मॉर्निंग में हस्बैंड। और सुबह टाइम नहीं लगा वॉश करने का, तो मैंने अभी वॉश करके रख लिए थे सारे, अभी मैंने कट किया है। और यहाँ पर फ्रेश पुदीना भी आज आया है मॉर्निंग का, तो मिल गया था पुदीना। और इसमें है ये एप्रिकॉट खुरमानी, आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी लेके आई, जो कि आज पैसों से लाई है, अदरवाइज़ एक मतलब कभी पैसे से नहीं खरीदी है खुरमानी। तो इस बार लॉकडाउन है तो गए नहीं कहीं, तो आई नहीं घर से। और ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्रूट्स कट किए हैं कुछ, तो उसके बाद करेंगे फिर तैयारी। अभी टाइम हो रहा है 7:45 के आसपास का, हम लोग घूम फिर के आ गए थे, और काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा सा इवनिंग वॉक भी हो गया और माइंड फ्रेश भी हो जाता है। तो जब हस्बैंड होते हैं तो मैं फिर चली जाती हूँ। और यहाँ देखिए आज मैं अभी जो है अभी सोचा कि क्या बनाएं, और सब्जी तो थी वैसे पर सब्जी खाने का मन नहीं था, तो हम सोच रहे हैं पुलाव बनाते हैं। न्यूट्री और गोभी का पुलाव बनाएंगे, और साथ साथ देखिए क्या लेके आए थे हस्बैंड सुबह मॉर्निंग में ना, फ्रेश पुदीना, और यहाँ पे हरी मिर्च है, और ये चुल्लियाँ हैं एप्रिकॉट, और साथ में यहाँ पे आम है, और ये है प्याज कट किया है मैंने, बहुत फ्रेश लीव्स थी आज मुझे पुदीना, मतलब हस्बैंड को मिल गया था मॉर्निंग में, तो वो लेके आ गए। और काफ़ी अच्छी मतलब बनती है पुदीने के साथ चटनी, तो आज मैं बनाऊंगी ना बहुत सारी चीज़ों, उसमें आम भी होगा एप्रिकॉट होगा, तो आपको दिखाती हूँ। और किस तरह से है, कई लोगों ने नहीं देखा है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, इस तरह की होती है ये एप्रिकॉट, क्योंकि आउट ऑफ हिमाचल मेरे सब्सक्राइबर है, उन्हें नहीं पता, कई बार मैं वीडियोस में बोलती हूँ, और बचपन में गांव में अपने हुआ करती थी, वो बचपन के दिन ना बहुत याद आते हैं। ये देखिए, तो 5 rupees बच गए थे उनके पास, तो हस्बैंड ने 5 rupees के लेके आए हैं। ये काफ़ी अच्छी होती है, मीठी होती है, और इसके अंदर ना सीड भी होता है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये इसके अंदर सीड है, और इसके अंदर जो होता है वो काइंड ऑफ बादाम होता है, पहाड़ी बादाम आप बोल सकते हैं। तो इसका जो बाहर वाला पल्प है ना, इसकी चटनी बनती है बहुत टेस्टी। तो गांव में बिल्कुल पत्थर पे पीसते थे, जो सिलबट्टा होता है, शायद हिंदी में सिलबट्टा बोलते हैं, तो उस पर पीसते थे बिल्कुल बारीक करके, दादी वगैरह पहले, मम्मी भी पीसते थे पहले, तो उसके बाद जैसे मिक्सी वगैरह आ गई, बहुत सारी चीज़ें, फिर उसके बाद नहीं होता है उस पर ज़्यादा, पहले पुराने टाइम में ना उसी पे पीसते थे, और फिर बहुत टेस्टी बनती थी चटनी। तो आज मैं उसी तरह से बना रही हूँ, बचपन के ना वो वाले दिन याद आ गए, मतलब जब वो उस तरह से बनाते थे, क्योंकि ये इसकी चटनी काफ़ी टाइम हो गए नहीं खाई है मैंने। ये पेड़ों पे मतलब वो ऐसे जैसे प्लम वगैरह लगते हैं ना, जिस तरह से मैंगो लगते हैं उस तरह से लगते हैं ये,
काफी टेस्टी होते हैं। तो पहली बार शायद ऐसा हुआ है जब ये मैं लेके आए हैं हस्बैंड, मतलब पैसे दे के लेके आए हैं, अदरवाइज ये फ्री की मिलने की चीज होती है। तो मतलब गांव साइड में, तो उनको ऐसे ही लगा होगा कि 5 रुपीज बच गए हैं तो लेके जाता हूँ, काफी सारे लाए हैं मतलब। तो मैंने सोचा चलिए मिक्स चटनी बना देती हूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं, आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे बनाऊंगी और उसके बाद करेंगे फिर पुलाव की। चटनी आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की है, बट इस तरह से एप्रिकॉट की भी बनती है। अगर आपके आसपास सब्जी वाले के पास आ रहे हैं एप्रिकॉट तो आप ले लीजिए और इस तरह से चटनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस फ्रेश लीव्स थी आज पुदीने की, बड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा पानी ऐड किया है, सिंपल बेसिक सा, इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड की है और यहाँ पे हल्का सा मैं डाल रही हूँ नमक। टमाटर भी आप डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही क्योंकि नेक्स्ट डे तक उसमें स्मेल सी चल जाती है अगर बच जाए तो। तो बस यहाँ पे अब चला दूँगी मिक्सी को और काफ़ी अच्छी बनती है, हेल्दी है और गर्मियों में तो चटनी खानी चाहिए। पुदीना बहुत अच्छा होता है आपके डाइजेशन के लिए और इस प्रेगनेंसी के टाइम में तो आप जो भी हैं मॉम टू भी तो खा सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है डाइजेशन से रिलेटेड वो दूर हो जाती है। तो काफ़ी दिन से मैं देख भी रही थी बट नहीं मिला, बट आज शायद मॉर्निंग में हस्बैंड को मिल गया था तो वो लेके आ गए। सो यहाँ से यहाँ पे आम डाल के थोड़ी खट्टी हो गई थी तो मैंने हल्की सी ना चीनी डाल दी 2 चम्मच। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खट्टी मीठी सी बन जाती है और टेस्ट अलग हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए पूरी ग्रीन चटनी बनी है आज तो, और बहुत टेस्टी लगती है। काफ़ी दिन बाद आज मैंने भी बनाई है क्योंकि पुदीना नहीं आ रहा था। सो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से बन गई है ये और बहुत टेस्टी लग रही थी। यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे किचन और देखने मुझे कि क्या कर रही हूँ मैं, और इन्होंने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब पुलाव, सिंपल गोभी टमाटर प्याज कट किया है और न्यूट्री भिगोने को डाल दी थी। तो यहाँ हस्बैंड और मेरी चली थी कुछ बातचीत और यहाँ पे न्यूट्री है वो भी अच्छे से हो गई थी, फूल गई थी, आधा घंटे पहले रख दी थी मैंने तो फिर सही रहता है और सॉफ्ट भी हो जाती है। तो सिंपल सा बनाऊंगी जैसे नॉर्मली तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पे बस जो धनिया और ज़ीरा है वही ऐड कर रही हूँ और मसाले भी सारे ख़त्म हो गए हैं। तो विशाल मार्ट जाके ना थोड़ा सा इस तरह से जाके थोड़ा सा मतलब अच्छे प्राइस में मिल जाता है, डेली मार्केट से लेना पड़े तो फिर बहुत वो हो जाता है वहाँ। फिर अभी मैं सोच रही थी बेसन भी लेके आऊँगी और मार्केट जाके बेसन भी ख़त्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 26 तक वेट करते हैं, खुलेगा अच्छी बात है, नहीं तो फिर शॉप से ही लेना पड़ेगा सामान, फिर वहाँ ठीक पड़ जाता है जब आप इकट्ठा सामान लेते हो ना तो फिर ठीक पड़ जाता है। तो बस यहाँ पर मैं इकट्ठे ही टमाटर और प्याज वगैरह और इसमें यहाँ पे गोभी साथ साथ न्यूट्री सब इकट्ठे ही थोड़ा सा इसको फ्राई कर दूँगी और थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी सभी मसालों को और ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब मैं राइस वगैरह वॉश करके ना राइस वगैरह भी डाल देती हूँ। तो बस सिंपल सा बनता है, काफ़ी टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटर हो तो फिर और अच्छा बनता है, मटर अभी थे नहीं और लाना भी भूल गए तो आइडिया नहीं था ये बनाएंगे। वैसे आटा भी गूंथा हुआ था, सब्जी भी थी बट मन नहीं कर रहा था खाने का सब्जियाँ, कई बार होता है तो फिर इस तरह का मन करता है कुछ बनाने का। तो फिर यहाँ पे देखिए सिंपल सा बन गया है ये पुलाव हमारा और अब इसमें सीटी आने देंगे। पानी थोड़ा सा इसे आप चाहें तो चावल को पहले भिगोने को भी डाल सकते हो। अब इसमें आने देंगे हम सीटी और जितने में ये होता है उतने में फिर पूजा वगैरह जो भी है थोड़ा सा वो काम कर लेते हैं। थोड़ी सब्जी भी बची है, सुबह हमने लौकी की सब्जी बनाई थी सो वो भी थोड़ी सी बची है और थोड़े से राइस है। आटा भी अगर चपाती खानी होगी तो हस्बैंड को, वैसे तो पुलाव का ही मन था लाइट सा खाने का, मतलब लाइट इन द सेंस की ज्यादा कुछ मन नहीं करा था बनाने का कि सब्जी काटो फिर बनाओ। और हमें आते आते भी देर होगी और आज हम वहाँ आपने देखा कि रेलवे ट्रैक होके आए, वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ही उस रास्ते से आई हूँ मैं, वैसे उस रास्ते से कभी आती नहीं हूँ अकेले, थोड़ा डर सा भी लगता है वहाँ पे, बट सीधा सीधा था वहाँ से रास्ता। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो चलते हैं, भी थोड़ा फोटोशूट भी किया वहाँ पे। सो बस इसमें देखिए अब सीटी भी आने वाली है, एक्चुअली पानी अच्छे से बॉयल करने के बाद ही मैं स्टीम आने देती हूँ। तो चलिए फिर हमारी जो चटनी पुलाव रेडी है डिनर भी, सो मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग गाइस, लॉट्स ऑफ लव। सो गाइज यहाँ पे हमारा डिनर हो गया था रेडी, टाइम होने लगा था 9:15 के आसपास, तो खाना रेडी हो गया था, यहाँ पे सर्व कर दिया है और देखिए कितना यम्मी लग रहा है पुलाव देखने में।
और चटनी है, सैलेड कट किया है थोड़ा सा, और थोड़ी सी कर्ड। कर्ड आजकल ना अच्छी नहीं जमती है तो मैं मार्केट से ही लेके आती हूँ जब मन करता है खाने का। तो यहाँ पे देखिए प्लेटिंग हमारी होगी, हम बैठ गए थे खाने। तो आई होप गाइज आपने आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मैं आपको कल मिलूँगी प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए गाइज, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।